खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर एसआर पेट्रोल पंप के सामने मेन रोड पर 4 से 5 जगहों पर अमानक स्तर के ठेपर बना दिए गए हैं और न ही उन पर सफ़ेद पेंट किया गया है और न ही कोई संकेतिक लगाया गया है जिससे वाहन चालकों को ठेपर नहीं दिखाई देता है और अचानक से ब्रेक लगाने पर दो पहिया वाहन असंतुलित होकर गिर जाते हैं। कई लोग गिरकर हादसे का शिकार हो चुके हैं। जिस दो पहिया वाहन पर महिला सवार होती है उसका संतुलन जल्दी बिगड़ जाता है। आज ही गोगावा निवासी दंपत्ति टेंपर पर असंतुलित होकर गिर गए जिसमें महिला को गंभीर चोटें आई है। गनीमत यह रही कि पीछे से कोई 4 पहिया वाहन नहीं आ रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इतनी दुर्घटना होने के बावजूद भी मेंटेनेंस करने वाले ठेकेदार द्वारा ना ही रेडियम के पट्टे या सांकेतिक बोर्ड लगाया जा रहा है। वहीं सड़क परिवहन विभाग भी मौन है। अगर अभी ठेकेदार नहीं जागा तो दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा? सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या टेपरों को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? सेगांव में एसआर पंप के सामने ये रोड बनाने वालों ने गति अवरोधक बनाया जिसके संकेतक नहीं है। आए दिन वहाँ घटनाएं होती रहती है और रोड भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है वहाँ पर, और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा उस पर। क्या आए दिन दुर्घटना होती रहती है? दुर्घटना हमेशा होती रहती है, हर हफ्ते एक न एक दुर्घटना वहाँ पर घट रही है। क्या नाम लिखता? राकेश पटेल सेगा। संकेतक नहीं बनने से घटनाएं हो रही है? हाँ, संकेतक बनने के कारण घटना हो रही है। कोई ना कोई रोज गिरते रहता है। परसों रोज भी एक महिला और एक आदमी गिर गया, उसके पहले भी एक आदमी गिर गया। कोई ना कोई रोज डेली घटना शिकार होता रहता है। जो टेपरों में कोई संकेत नहीं है, उतार के कारण सीधी गाड़ी स्पीड से आती है और कंट्रोल करता है तो पीछे वाला उसमें ठोक देता है। क्या नाम लिखते हैं? राहुल गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।